नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे साक्षी और अजितेश की शादी ने देश में भूचाल ला दिया है। जब से साक्षी का वीडियो वायरल हुआ है और तमाम टेलीविजन चैनल्स पर उसके इंटरव्यू चलने लगे हैं, हर घर में उसी की चर्चा होने लगी है। कुछ लोग साक्षी के साथ हैं लेकिन ज़्यादातर लोग उसके खिलाफ हैं। लेकिन इस बहस में अब गंदगी घुस गई है। वो गंदगी क्या है, हम आपको बताएंगे। अजितेश का चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है। उसे एक ऐसे इंसान के तौर पर पेश किया जा रहा है जैसे वो कोई बहुत ही शातिर हो और उसने बहला फुसला कर साक्षी से शादी कर ली है। उसके अतीत की पड़ताल कर उसे नशेड़ी बताया जा रहा है। कुछ दूसरे चैनल उसे कई लड़कियों का बेवफा प्रेमी साबित कर रहे हैं। कुछ टेलीविज़न चैनलों ने दिखाया कि अजितेश गांजा पी रहा है। कुछ ने पड़ोसियों के हवाले से बताया कि कई लड़कियों को छेड़ने के मामले में वो पिट चुका है, या ये कि उसने किसी से लाखों रुपए ले लिए लेकिन नहीं चुकाया। एक टीवी चैनल ने रिपोर्ट की कि उसने खुद को, यानी अजितेश ने खुद को ठाकुर बताकर किसी ठाकुर लड़की से सगाई कर ली, बाद में वो रिश्ता टूट गया। सोशल मीडिया पर चल रही बहस में साक्षी निशाने पर है। लोग उसके बारे में तरह तरह की भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं, उसे गालियां तक दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि उसने अपने पिता को जलील किया, भाई को धोखा दिया, गलत आदमी को चुना। इससे समाज की दूसरी लड़कियों को गलत संदेश जाएगा। साक्षी ने अपने वीडियो में कहा था कि उसकी जान को खतरा है और अपनी जान बचाने के लिए उसने ये वीडियो बनाया था। सोमवार को उसकी ये आशंका सही साबित हुई। सोमवार को जब वो अपने पति अजितेश के साथ सुरक्षा की गुहार लगाने इलाहाबाद हाईकोर्ट गई, अदालत परिसर में ही अजितेश पर हमला हुआ और कुछ लोगों ने उसे पीटा। इन सब चीज़ों के बीच एक बात गुम हो जा रही है, वो ये है कि साक्षी को अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है, वो बालिग है और ये अधिकार उसे संविधान ने दिया है। यह सही है कि साक्षी को जन्म माता पिता ने दिया है, जीवन माता पिता ने दिया है, लेकिन क्या माता पिता का दिया जीवन या किसी का दिया जीवन किसी का गुलाम है? और फिर अजितेश को जिस तरह उसके चरित्र के बारे में कहा जा रहा है, वो कहने वाले हम कौन हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि किसी का चरित्र कैसा है? आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें सत्यहिंदी.com। धन्यवाद।